आजकल आर्टिफिशियल फूलों से सुगंधित फूल खड़े हमारे बीच में, मैं सभी का अपने मंच से श्रद्धा रामलीला कमेटी की ओर से आप सभी का सहदिल से स्वागत करता हूं, क्योंकि आपके सहयोग से अब देखिए ये ग्राउंड इतना साफ सुथरा क्यों है। इसके पीछे भी एक कारण है कि हमारे श्यामलाल गोयल जी प्रधान, आनंद मेहता जी इस सेक्टर 15 के ही सरपरस्त हैं। जब सरपरस्त उचारू हो जाए, कारगर हो जाए, विशेष रुचि रखे, तो यहाँ कितनी खुशी है और कितनी सफाई है। क्या आपका दिल नहीं करता कि इन दोनों सदनों के लिए तालियां बजाई जाए? बजाइए ताली ये महानुभावों के लिए। और देखिए सेक्टर 7 और 10 के रहने वाले हमारे प्रधान वासुदेव अरोड़ा जी हर वर्ष हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारे के लिए कार्य में अग्रसर होते हैं। कहीं भी कोई कार्य हो ये हमारे साथ होते हैं। इन्हीं शोभाओं से ही ये मंच सुशोभित होता है। इसीलिए अनंत जी की तारीफ आपने थोड़ी करी, मेरा मतलब था कि थोड़ी ज्यादा करते। श्यामलाल गोयल जी की आपने थोड़ी ज्यादा करी, मेरा विचार था कि और थोड़ी ज्यादा करते, क्योंकि तालियों के तो ये भूखे हैं बेचारे और आते क्या किसके लिए। और हमारे वासुदेव अरोड़ा जी के लिए जब तक तालियां बजाइए, जब तक इन्हें हाथ ना कह दे कि भैया बस बहुत हो गया मेरा स्वागत, बजाइए तालियां इन तीनों महानुभावों के लिए। हम दीप प्रज्वलित करके उस परमात्मा की रोशनी में अपनी रोशनी को बढ़ाते हैं। इसीलिए हम अपने विशेष व्यक्ति जो हमारे मुख्य अतिथि के रूप में मंच पर विराजमान होते हैं, हम उन्हीं से इन दीप शिखा को प्रज्वलित कराते हैं। मैं अपने प्रधान श्री, आपको नाम मालूम है ना प्रधान जी का? हाँ, सबको ठीक हो गया। जब सबको नाम मालूम है तो उनका नाम मैं नहीं लेता। मैं कोशिश करता हूँ कि आप बारी बारी आकर दीप प्रज्वलित करके आज की इस कार्यकारिणी को शुरुआत करने के लिए हमें अनुमति दें। आपकी अनुमति ही हमारे लिए सौभाग्यशाली होगी, ऐसा मानकर हम आपसे दीप प्रज्वलित कराते हैं। वासुदेव अरोड़ा जी, श्यामलाल गोयल जी, आनंद मेहता जी, और उनके साथ आए हुए साथी, वह भी अपनी अपनी लॉ को अपनी लॉ से प्रज्वलित करें। मानव की लॉ बहुत बड़ी लॉ होती है, अगर उस लॉ के साथ परमात्मा की लॉ मिल जाए तो उसके बाद मैं शर्मन जी से प्रार्थना करता हूँ कि जिस प्रकार एक मंगल सूत्र पहनकर विशेष महिला सुशोभित लगती है, हम अपनी ओर से आपको राम जी का पटका देकर आपको सुशोभित कर रहे हैं। प्रधान जी राकेश आहूजा जी, हमारे प्रधान श्यामलाल गोयल जी को पटका बनाकर सुशोभित कर रहे हैं। और मैं तो विशेष नहीं जानता श्यामलाल गोयल जी के लिए, क्योंकि दो घर छोड़ के ही इनका मेरा घर आस पास है। रोज कुछ ना कुछ चाय कभी ये मेरे पीते हैं, कभी ये मुझे अपनी पिलाते हैं। मैं प्रधान जी से निवेदन करता हूँ कि इनके तारीफ में दो 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 कुल 6 शब्द जरूर कहें। भाइयों और बहनों, दोस्तों, बुजुर्गों, एक बार मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा, जोर से आप सब लोग जयकारा बोलेंगे, बोलो सियापति रामचंद्र की। आवाज थोड़ी कम आई है, प्लीज एक बार फिर मैं बोलूंगा, सियापति रामचंद्र की जय। भाई और बहनों, आज बड़ा खुशी और सौभाग्य का दिन है कि हमारे पास, हमारे साथ इतने अच्छे महानुभाव मुख्य अतिथि आए हुए हैं। और मैं अभी हमारे चाना साहब ने इनका थोड़ा परिचय दिया है, लेकिन मैं थोड़ा सा और परिचय देना चाहूँगा। हमारे श्यामलाल जी ये रिटायर्ड IPS ऑफिसर हरियाणा से हैं, और इनको हरियाणा में सबसे पहले एक जो इनका IPS का जो अवार्ड होता है, जो इनको अवार्ड मिला है, उसके लिए मैं बहुत बहुत खुशी महसूस करता हूँ। और आप लोग इसके लिए इनके लिए बहुत ज़ोरदार तालियाँ बजा के स्वागत करें इनका। और इसके अलावा अभी हमारे चाना साहब ने बताया, जैसे कि ये कम्युनिटी सेंटर सेक्टर 15 का लॉन है, इसमें हम पहले पिछले 8 वर्ष से कार्यक्रम कर रहे हैं, रामलीला का आयोजन कर रहे हैं, लेकिन पिछले 3-4 साल से जब से यहाँ पर हैं, हमें कभी भी किसी चीज़ की परेशानी नहीं आई। इस कम्युनिटी सेंटर में बारिशों में काफ़ी घास वगैरह आ जाती है, काफ़ी पेड़ पौधे आ जाते हैं, और काफ़ी आप जानते हैं कि जो जिसका ज़्यादा वो ना हो तो नेचुरली बातें परेशानियाँ बढ़ती हैं, लेकिन
और इनके साथ इनके सेक्रेटरी नंद मेहता जी हैं जो दयानंद स्कूल के चेयरमैन हैं और कम्युनिटी सर्विसेज और जो कितना भी कोई भी कार्य हो किसी भी प्रकार का हो सेवा कार्य में लगे रहते हैं। तो ये दोनों जैसे कि नाम से प्रीते श्याम जी के बारे में आप जान सकते हैं कि श्याम जी का क्या स्वरूप है क्या रूप है और मुझे तो वाकई इनसे मिल के लगता है कि मैं श्याम जी से ही मिल रहा हूँ। और आनंद जी के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा इनसे भी आप मिलें जब भी नाम से जितना आदमी का परिचय मालूम पड़ता है हमेशा ही आनंदित रहते हैं और लोगों को भी आनंदित करते हैं। और सेक्टर 15 के लिए जो इनका योगदान है मैं उसकी बेमिसाल है क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक आस पड़ोस में ही रहते हैं। कभी भी कोई समस्या आती है किसी सेक्टर 15 के निवासी को या किसी और निवासी को कोई भी कम्युनिटी सर्विसेज में कोई भी समस्या आती है तो बिना सोचे समझे बिना देर लगाए उसको संपूर्ण करने के लिए तत्पर रहते हैं। इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है मैं कैसे धन्यवाद करूं। और हमारी रामलीला की हमें परमिशन भी लेनी पड़ती है। पहले हम लोगों को काफ़ी परेशानी होती थी लेकिन RW की जब हमें परमिशन मिल जाती है तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वाले भी हमें एक मिनट नहीं लगाते सर्विस देने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है हमारे प्रधान श्याम लाल जी ये कहते हैं नंद मेहता जी भी कहते हैं मुझे साहब किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो किसी चीज़ की कोई परेशानी हो आप हमें कहिए आप हमेशा आपके लिए तत्पर हैं क्योंकि आप रामलीला का आयोजन कर रहे हैं इतना भगवान राम का स्मरण कर रहे हैं इससे अच्छा कोई काम नहीं हो सकता। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हमारे बीच में अरोड़ा साहब भी हैं जो सेक्टर 7 और 10 के प्रधान हैं। जो प्रधान होता है आप समझ सकते हैं कि उसकी कितनी जिम्मेवारियाँ होती हैं। अब मैं भी प्रधान हूँ तो मुझे पता है कि मेरी कितनी जिम्मेवारियाँ होती हैं। तो ये प्रधान बनना तो आसान है लेकिन उसके पद को निभाना गरिमापूर्ण निभाना ये बहुत ही मुश्किल कार्य है। इसके लिए बहुत ही सहनशीलता बहुत ही मेहनत बहुत ही कोशिश चाहिए। और एक बार फिर इनके लिए इनके स्वागत के लिए जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। अरुण जी के गले में पुष्प माला बनाकर इनको बोलने के लिए अवसर प्रदान करने के लिए मौका दें श्री वासुदेव अरोड़ा जी। आदर और सम्मान के योग श्रद्धा रामलीला कमेटी के अध्यक्ष अहूजा जी श्रवण चावला जी अनिल चावला जी आज के हमारे मुख्य अतिथि श्यामलाल गोयल जी और मेहता जी और यहाँ पर रामलीला देखने आए हुए मेरे पूजा योग मेरी माता है मेरी बहन है मेरे बुजुर्गों नौजवान साथी आज सबको मैं नवरात्रों के इस पावन पर रामलीलाओं के अंदर मैं बहुत गया हूँ। लगभग पूरे फरीदाबाद की रामलीलाएं मैंने देखी हैं और 4-5 साल से मैं इस रामलीला के अंदर आ रहा हूँ मैं देखने के लिए। लेकिन ऐसी रामलीला मेरे ख्याल से फरीदाबाद के अंदर पहली ऐसी रामलीला है जो इन्होंने इतने अच्छे कलाकार चावला परिवार अहूजा परिवार ने अपने पूरे परिवार से तन मन धन से मेहनत करके इस रामलीला को सजाते हैं और असलियत में सब कुछ आपको दिखाते हैं। मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद जय भारत जय श्री राम। हमारे बीच में ये फोटोग्राफर साहब आज कुछ नए चेहरे आए हुए हैं कहते हैं कि हम दिल्ली NDTV से आए हुए हैं। सुदेश शर्मा जी इनके प्रमुख हैं कृपया सुदेश शर्मा जी कृपया जहां भी हो कैमरे से तो आप दुनिया को दिखाएंगे कि श्रद्धा रामलीला कमेटी कितनी आगे बढ़ गई। इंडिया न्यूज भारत न्यूज भारतीय है सुदेश शर्मा जी। अभी आप जब मंच पर आए तो वो कहते थे कि जब मैं जैसे ही पैर रखूं मेरे लिए तालियां चाहना जरूर बता दें क्योंकि मैं बाद में आपको खुश कर दूंगा। सुदेश शर्मा जी कृपया जल्दी आइए। इंडिया न्यूज से है सर मैं जान के गलत बोलता हूं कि उनको पता लग जाए कि मैं इंडिया न्यूज वाला हूं। कृपया इंडिया न्यूज से सुदेश शर्मा जी तालियां क्यों नहीं बजाई मेरे भाई तालियां बजा दो। जब आप टेलीविजनों में देखते हैं ये वाला माइक हमेशा आप लोगों को नजर आता है कि जब वो किसी का इंटरव्यू लेते हैं अभी ये बारी बारी आपके बीच में आएंगे आपका इंटरव्यू लेंगे और इस न्यूज के माध्यम से टेलीविजन पूरे वर्ल्ड में आपको दिखाएगा। इनके लिए तालियां जरूर बजा दो मेरे भाई थोड़ी सी और बजा दो। स्वागत करेंगे हमारे राकेश अहूजा जी। अब देखे ना इनके लिए फूल भी गुलाब के आए हुए हैं और प्रधानों से अलग इनकी अलग ही स्वागत है और क्योंकि आज ये हमारे प्रमुख हैं कोई प्रमुख होता है ये अति प्रमुख है इनका जोरदार स्वागत है। मैं इनसे भी निवेदन करता हूं कि दुनिया को तो आप कैद करते हो अपने कैमरे के माध्यम से अपने रिकॉर्डिंग के माध्यम से कृपया हमें भी कैद करने के लिए अपने दो अमूल्य शब्द
हमारी जनता के लिए जरूर कहें। आप सभी ने कमेटी की तरफ से मुझे जो मान सम्मान दिया है उसका मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि आज के युग में जो रंगमंच की रामलीला है आज भी वो जिंदा है आप लोगों के प्रयासों से, क्योंकि जिस तरीके से आज के दौर में जिंदगी आगे बढ़ रही है, दुनिया आगे बढ़ रही है, रंगमंच की रामलीलाएं अब कहीं कहीं देखने को मिलती हैं और आप लोगों ने इसे